दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। तमाम तरह के दांवपेच का इस्तेमाल हो रहा है। तमाम तरह से सियासी पार्टी के नेता चुनाव जीतने की कवायद करने लगे हैं, लेकिन आज बात कर रहे हैं टिकाऊ और बिकाऊ राजनीति की। जी हाँ, आज बात करेंगे कि आखिरकार कौन टिकेगा और कौन जीतेगा। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति हो रही है, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल किसी के जीतने की उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी की एंट्री करते ही उत्तर प्रदेश की सियासी हवा ही बदल गई। प्रियंका गांधी की एंट्री करते ही उत्तर प्रदेश के लोगों के विचार बदलने लग गए। और आज आलम क्या है? आज आलम यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आज खुलकर बात करेंगे, बात यह भी करेंगे कि टिकाऊ राजनीति चलेगी या फिर जिताऊ राजनीति, दोनों में फर्क क्या है, अब आप ये भी समझिए। दरअसल टिकाऊ राजनीति का कहने का तात्पर्य यहां पर है कि जो केवल टिक कर रहेगी, और जिताऊ का मतलब यह है कि जो जीतेगी और जो जनता का साथ लेकर जीतेगी। यानी कि अगर बात करें तो टिकाऊ राजनीति इस वक्त बीजेपी की है। उत्तर प्रदेश का अगले साल विधानसभा चुनाव योगी सरकार के लिए जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई मसले ऐसे हो गए जो योगी सरकार के लिए परेशानी का सबक बन बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जो योगी सरकार को परेशान कर रहे हैं और सत्ता तक पहुंचने नहीं दे रहे। चलिए मुद्दों की अगर हमने बात करी है तो मुद्दे गिनवा भी देते हैं। पहला है किसान आंदोलन, दूसरा है स्वास्थ्य प्रणाली, तीसरा है बेरोजगारी, चौथा है महिलाओं की सुरक्षा। और तो और आप ये भी सुनिए कि उत्तर प्रदेश में योगी राज के रहते हुए जनता खुश नहीं है, क्योंकि जनता को तो चाहिए पूरी तरह से आजादी, जनता को तो चाहिए कि वहां पर हालात ठीक हो। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो फिलहाल टिकाऊ राजनीति पर टिकी हुई है योगी सरकार। ये नहीं कहा जा सकता कि अगले साल का विधानसभा चुनाव योगी सरकार जीत रही है और बीजेपी के जीतने के चांस ज्यादा है। ये इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि हालात ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए सत्ता हासिल करना आसान नहीं है। अब आप ये भी सुनिए कि जिताऊ राजनीति किसे कहा जा रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टिव हुई हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में उन्होंने राज करना शुरू कर दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज वो बनी है, इससे उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान प्रियंका गांधी की तरफ गया है। जी हाँ, प्रियंका गांधी काफी समय से उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टिव है। प्रियंका गांधी ने काफी समय से उत्तर प्रदेश में लोगों का दिल जीतने का काम किया, और आज यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के जयकारे लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। यानी कि अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अगर नई करवट लेता है तो जाहिर हो जाएगा कि बीजेपी का अब खेल होना शुरू हो गया है। खेला तो उसी समय हो गया था जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। जी हाँ, ममता दीदी ने बता दिया कि हमने कैसे बीजेपी की फौज को खदेड़ दिया, और आज बीजेपी की हालत पश्चिम बंगाल में क्या है ये सभी जानते हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो शुरुआत बंगाल से भी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब स्थितियां घूमती नजर आ रही हैं, और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तो जीतना बीजेपी के लिए बहुत टेढ़ी खीर दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतने के लिए तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है, लेकिन ये गठबंधन इतना आसान नहीं हो पा रहा, क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि क्षेत्रीय पार्टियां भी इस बार मजबूत स्थिति में बैठी हैं, और क्षेत्रीय पार्टी तभी पूरी तरह से समझौता करेंगी जब बड़े फायदे उन्हें मिलने वाले होंगे। यानी कि कहा जाए तो प्रियंका गांधी यानी कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और अकेले अपने दम पर चुनाव जीतने की बात भी रखती है। दरअसल कुछ समय पहले कुछ सर्वे सामने आए, सर्वे बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जनता क्या चाहती है, जनता बदलाव क्यों चाहती है, और जनता प्रियंका गांधी को लेकर
क्या सोचती है। सर्वे चौंकाने वाले थे, सर्वो ने खोल दी पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ की पोल और खबर निकल कर सामने आई कि वाकई में उत्तर प्रदेश के अगले साल का विधानसभा चुनाव बेहद ही करिश्मे भरा वाला होने वाला है, क्योंकि प्रियंका गांधी की लहर उत्तर प्रदेश में चलती दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को अपने साथ जोड़ा है, ये बताता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से बेहद ही शानदार तस्वीर निकल कर सामने आएगी। कांग्रेस के जीतने की तस्वीर होगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी मनाने की तस्वीर होगी, जनता के चेहरे पर मुस्कान की तस्वीर होगी। आपको ये भी बता देते हैं कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूती के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से 4 कदम आगे निकलती नजर आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रियंका गांधी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि कौन सा कैंडिडेट कब चुनाव लड़ेगा, कितने सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और किस कैंडिडेट को कहां उतारा जाएगा। यानी कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ही अच्छा साबित होता नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। इन 403 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें कौन जीत सकता है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी, गुजरात में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और तस्वीर साल 2024 तक निकल कर सामने आएगी। यानी कि बदलाव की स्थिति उत्तर प्रदेश से दिखती नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी इस वक्त कांग्रेस से डर गई है। बीजेपी को लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस हिसाब से आगे निकलती चली गई, अगर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जनता को अपने साथ जोड़कर ले चली गई तो उसकी स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि आज कांग्रेस क्या कर रही है, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। खुद कांग्रेस पार्टी में युवा नेताओं को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, युवा नेताओं को अब ज्यादा एंट्री दी जा रही है। इसका साफ और सियासी संकेत यह है कि कांग्रेस ये बता रही है कि हम शुरुआत अपनी पार्टी से कर रहे हैं और जनता तक बात करेंगे और जो युवा हैं, जो स्थिति उनकी खराब है, उनकी बात हम पहुंचाएंगे। यानी कि इस वक्त अगर देखा जाए तो जनता परेशान है, युवा परेशान है और तो और जिस हिसाब से मोदी सरकार ने काम किया उस काम से, सरकार के काम से जनता खुश नहीं है। यानी कि आने वाला समय अब कांग्रेस के लिए बेहद अच्छा होने वाला है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की लहर दिख रही है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना सकती है। और क्या कुछ अपडेट रहेगा चुनाव को लेकर हम आपको जरूर बताएंगे। और फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।